बीते दिनों शहर में कुछ ऐसे मामले हुए जहां पुलिस का एक क्रूर चेहरा सामने आया था, वहीं अब पुलिस का एक दरिया दिल चेहरा भी सामने आया है। एक मासूम बच्चे की बात सुनकर एक पुलिस अधिकारी ने न सिर्फ उसके पिता के जब्त ऑटो को छोड़ा, बल्कि उस ऑटो का 2000 रुपए का चालान भी अपनी जेब से भरा। यह दरिया दिल्ली दिखाने वाले वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का नाम अजय कुमार मालविया है, जो सीतामढ़ी यातायात पुलिस शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है और उनके पास यातायात पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त का प्रभार भी है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा एक पुलिस कर्मी ने सिद्ध कर दिया है। 4 दिन पहले सीतामढ़ी यातायात पुलिस ने दुर्गा चौक येरखेड़ा काउंटी निवासी रवि खरसे की ऑटो का सीतामढ़ी इलाके में 2000 रुपए का चालान बनाकर उसे जब्त कर लिया। रवि के पास पैसे नहीं थे, वह किराए का ऑटो चलाता है। इसी ऑटो की कमाई से उसके परिवार की परवरिश होती है। ऑटो छुड़ाने के लिए पैसे कहाँ से लाए, पति पत्नी इस सोच में डूबे थे। तभी रवि के मासूम बेटे ने अपना गुल्लक फोड़ दिया और उसमें जमा पैसे अपने पिता को दिया। 10 अगस्त को रवि परिवार के साथ सीतामढ़ी यातायात शाखा कार्यालय पहुंचा। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय कुमार मालवी से उसने मुलाकात की। उसने ऑटो का चालान भरने के लिए चिल्लर पैसे से भरी प्लास्टिक की थैली दी। मालवी ने पूछा, इतने सारे चिल्लर पैसे कहाँ से लाए? रवि ने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा कि साहब, बेटे ने गुल्लक में जमा किया था। गुल्लक खोलकर इसने पैसे दिए और कहा कि पापा ऑटो छुड़ा लाओ। यह सुनकर मालवी का दिल पसीज गया और उन्होंने उसके चिल्लर पैसे वापस कर दिए और खुद की जेब से 2000 रुपए का चालान भरकर उसका ऑटो छोड़ दिया। रवि और उसका परिवार ऑटो वापस मिलने पर खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़े। सर, मेरा नाम रोहित चंद्रमन खड़से है। मैं कामटी से बर्डी आता के चलाता हूँ। वहाँ मेरी गाड़ी वो सिपाही ने पकड़ी, मेजर साहब ने, तो मेरे को उनमें से एक दिन के अंदर में उनने 1100 रुपए का चालान दिए और मेरा पेंडिंग का चालान था 2-3-4 महीना पहला, तो उनने पूरा पेंडिंग का मिलाकर और उस दिन का मिलाकर पूरा 2000 रुपए चालान था मेरे ऊपर। तो मैंने सर अपने लड़के का गुल्लक, अपने बच्चों के लिए मैंने ऑटो छुड़ाने की कोशिश किया और मैंने पूरा गुल्लक फोड़ डाला। मैंने गुल्लक फोड़ने के बाद में मैं चिल्लर लेके गया तो साहब ने, हवलदार साहब ने तो नहीं लिए, तो मैं PI के ऑफिस में गया। PI के ऑफिस में जाने के बाद में तो मैंने ऑफिस सर को बताया, PI सर को, मतलब सर बोला ऐसे ऐसे तकलीफ है और मैं घर से बहुत कंडीशन ख़राब है, मेरी मिसेस की भी तबीयत खराब, मेरी लड़की की भी तबीयत खराब, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब कि मैं देख नहीं सकता और आप भी नहीं देख पाऊंगे सर, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है। अभी फिलहाल मैं उसकी दवाखाने लेकर आया हूँ अपनी बच्ची को, 3 साल की मेरी बच्ची है, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है सर, जिसकी हद नहीं। तो PI सर ने अपने पास के 2000 रुपये 500 के नोट निकाल कर सर वो मेरे को दिए। रोहित बोले पहले तो चालन भर अपनी गाड़ी छूटा बोले, तो मैंने गाड़ी छूटाया, तो बाद में मुझे बोले तो अपने बच्चे लोगों को लेके आना, ये जो 2000 रुपये डोनेशन है बोले अपने तेरे बच्चों के नाम पे दे दूंगा बोले। तो मैंने 2000 रुपये मैंने लेके गया सर, लेके आने के बाद में अभी मेरे पास में उसमें की चिल्लर कुछ 300-350-400 रुपये चिल्लर बची है, ये पॉलिथीन में लेके गया। परवा दुपारी 4 वाजता मैं ऑफिसला हजर असताना एक गृहस्थ आला, त्याच्या हातामध्ये एक प्लास्टिकची पिशवी होती छोटी आणि त्याच्यामध्ये नाणे होते, कलदार वगैरे होते, आणि अचानक तो मला म्हणायला लागला की साहेब, माझा ॲटो डिटेन झालेला, जप्त केलेला आहे, मला ॲटो सोडवायचा आहे, हे माझे पैसे घ्या आणि मला ॲटो परत द्या। तर मी त्याला विचारलं नेमकं काय झालं, तर म्हणे माझा ॲटो 2-3 वेळा चलान झाला होता, जवळपास 2000 रुपये दंड आहे आणि मी माझ्या मुलाच्या गुल्लकमधले पैसे, ते गुल्लक फोडून इथे आणलेले आहेत, आपण हे पैसे घ्या आणि मला माझा ॲटो परत द्या। तर मी मग त्याला विचारपूस केली असते, त्यावेळी गरीब परिस्थितीचा दिसला मला, घरची परिस्थिती गरीब होती, लहान मुलं होते आणि भाड्याने ॲटो घेतलेला होता, तर ते माझ्याकडचे पैसे त्या दंडामध्ये भरले आणि त्याला म्हटलं मुलाला घेऊन ये, मी त्याचे गुल्लकचे पैसे परत करतो। त्याने त्याच्या मुलाला आणि कुटुंबाला घेऊन आला, तर मी ते पूर्ण पैसे न मोजताच पूर्ण जे प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये नाणे होते ते पूर्ण त्याला परत दिले, त्यांनी माझे आभार मानले आणि शाश्रू नयनाने तो परत गेला। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।